नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर। अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना ये थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का अपना टॉपिक है, इसमें नवीन जो शैक्षिक संरचना है 10+2+3 की, उसकी विशेषता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नवीन जी शैक्षिक संरचना 10+2+3 की जो विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो नवीन जी शैक्षिक संरचना में जो स्कूली शिक्षा की जो होती है 12 वर्ष, है ना, या 12 वर्ष यानी 10th के बाद, है ना, कॉलेज चला जाता है, तो 3 साल की जो शिक्षा होती है उसके अंतर्गत, फिर इस संरचना से लाभ है कि जो छात्र 10वीं कक्षा के बाद जीवन यापन के कार्यों में जा सकेगा, है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, है ना। 10+12 करनी पड़ेगी, उसके बाद कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके अंतर्गत जो उन्हें एक वर्ष की जो बचत हो सकेगा, जिसमें इसमें जो कोई संदेह नहीं है कि स्नातक अवधि में एक वर्ष बढ़ जाता है। फिर अभी जो देने को मतलब ये है कि अभी 4 वर्ष पाठ्यक्रम हो गया है, तो उसके अंतर्गत जो 11th 12th होने के बाद फर्स्ट सेकंड स्क्रीन और बी एड होती है, है ना। तो ये एक जो इसके अंदर का एक ऑप्शन है, अभी जो नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो कार्यकारिणी बन रही है उस हिसाब से जो भी तैयारी की गई है, तो उसमें कुछ नवीन ज्ञान और नवीन तकनीक के हिसाब से शिक्षा को पाठ्यक्रम को अलग जोड़ा जा रहा है और उसको अलग तरीके से शिक्षित किया जा रहा है, ताकि इस चीज से वो बाकी हो सके। बाकी में शिक्षा की सत्ता होनी चाहिए और आज के युग में जो शिक्षा होनी चाहिए वो नवीन तकनीकी ज्ञान और आने वाले युग के भविष्य के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, है ना। तो ये इसके अंतर्गत जो अपना जो नवीन जो शैक्षिक संरचना 10+2+3 की जो विशेषता है, उसमें जो सेकंड अपना आता है, इसी जो इससे जो मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में जाने वाले छात्रों को भी लाभ होगा, और जो पहले उन्होंने भी प्री मेडिकल तथा बीएससी प्रथम भाग या उत्तीर्ण करके जाना पड़ता था, और अब वे 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा के बाद मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में प्रवेश जा सकते हैं, है ना। 11th 12th होने के बाद डिप्लोमा आप कर सकते हैं, उसके अलग अलग अपने जो ग्रुप है उसके माध्यम से वो जा सकता है, है ना। 10th तो ये प्रतिभाशाली जो छात्रों के लिए जो प्रधानाचार्य की जो अनुशंसा के आधार पर कक्षा 10 की जो निर्धारित समय की जो परीक्षा में एक वर्ष पूर्व बैठने की जो आज्ञा मिल सकती है। आज की जो भी नवी शिक्षा नीति में जो 10th बोर्ड अठारह और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर सिस्टम और डायरेक्ट 12th की रख रहे हैं, तो ये मतलब अलग अलग प्रकार के, साथ ही एक इसमें जो देश के सभी प्रांतों का पाठ्यक्रम एक स्वरूप हो सकेगा, जिससे छात्रों को प्रांत परिवर्तन के बाद किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, और साथ ही जो प्रांत के लोग दूसरे प्रांतों के लोगों से बौद्धिक स्तर पर भी सामंजस्यता भी कर सकेंगे, और इससे राष्ट्रीय स्तर को जो बल मिल सकेगा। जो इसमें जो इस प्रणाली से छात्रों को वैकल्पिक जो विषय चुनने का अवसर कक्षा कक्ष के बाद ही मिलेगा, और उससे उनके मस्तिष्क को परिपक्वता प्राप्त हो सकेगी। जो शैक्षिक संस्था है 10+2+3 की जो विशेषता के अंतर्गत बताया गया है, इसके अंतर्गत जो बताया गया है इस प्रणाली में जो कार्य अनुभव को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इससे जो छात्र आत्मनिर्भर हो सकेगा, और इस प्रणाली में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया गया है, ताकि बच्चा हर तरीके से विकसित हो, हर तरीके से ज्ञान अर्जित कर सके, और आने वाले उसका प्लस अपनी जो मानव जो जन्म लेता है तो उसको मतलब अपने आप को सो मतलब व्यवस्थित बनाए, आत्मनिर्भर बन
बनाए ताकि आने वाली जो बोर्ड जितनी भी जो भविष्य में जो कठिनाई है उसका सामना वो कर सके। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया जो शिक्षा को रोजगार एवं सामाजिक जो उपाध्ययता से जुड़ा गया है ताकि यह संरचना उत्पादन की जो और अधिक ज्ञान देता है। फिर इसी के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय में जो बढ़ती हुई जो छात्र संख्या जिसके बौद्धिक स्तर पर कम में रुका जा सकेगा और इसके अंतर्गत जो शिक्षा के जो घटते हुए स्तर को उठाया जा सकेगा, जो शिक्षा का स्तर घटा हुआ है उसको उठाया जाता है। आपको पता ही है कि शिक्षा का स्तर कर रहे तो आज के युग में शिक्षा को बहुत ही अहम भूमिका दी जा रही है ताकि भविष्य उज्ज्वल हो सके, आने वाले का और नवीन ज्ञान अर्जित कर सके और हर एक चीजों का वो सामना कर सके और किसी भी परिस्थिति में उसका आत्मनिर्भर होकर उस कार्य को पूर्ण कर सके। तो जो शिक्षा के घटे हुए स्तर को उठाया जा सकेगा और इस प्रणाली में पक्षी नेतृत्व से समाज से स्तर भी किया जा सकेगा। फिर इसी के अंतर्गत जो इस नवीन जो संरचना की जो संस्था से कक्षा 10 के पश्चात बाहर मूल्यांकन की व्यवस्था यथावत रहेगी और साथ ही परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण उस मानसिक क्रियाओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाएगा जो इसकी जो मानसिक स्थिति के दृष्टि से रखते हुए किया जाएगा और विशेषता पर यह होगा कि कोई भी छात्र अनुपस्थित न होगा, है ना। तो ये इसके अंदर बताया गया है। साथ ही जो परिणाम में जो श्रेणी अथवा ग्रेडों में घोषित किया जाएगा, है ना। तो भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में है ना बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें ना मार्कशीट मिलती है, ग्रेडिंग सिस्टम वाली हो गई और गवर्नमेंट में भी ग्रेड के माध्यम से मार्कशीट अवेलेबल है। तो ये नवीन तकनीकी ज्ञान और नवीन उसके माध्यम से होता है ताकि बच्चा हर तरीके से विकसित हो सके और नई तकनीक का यूज किया करते रहना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आत्मनिर्भरतापूर्वक कर सके। तो ये साथ ही परीक्षा परिणाम में जो सुविधात्मक प्रवेश से घोषित किया जा सकेगा। जैसे जैसे इसके अंतर्गत बताया विशेष योग्यता विशेष विशेष योग्यता किसे कहलाता है अपना उत्तम थर्ड आता है अच्छा फोर्थ बताया इसी के अंतर्गत संतोषप्रद फिर फिफ्थ आता है निम्न स्तर का विशेष योग्यता उत्तम अच्छा संतोष प्रद स्तर का। तो ये इसके अंतर्गत जो बताया गया जैसे है ना तो इसके अंतर्गत जो संरचना में पाठ्यक्रम का पूरा करने के लिए जो शैक्षणिक वर्ष कम से कम 39 सप्ताह को होना आवश्यक है 39 सप्ताह, है ना। तो ये नवीन जो शैक्षिक संस्था है 10+3 की जो विशेषता है ना 10 जो मार्ग दे रहे मिल जाता है बच्चे सेकेंड थर्ड कॉलेज के अंदर स्क्वायर मिल जाता है। तो उस विशेषता के बारे में बताने के लिए आज के लिए इतने काफी है ना। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ज्ञान से समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।